गुहला चीका से जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने कैथल जिले में बनाए जाने वाले मेडिकल कॉलेज पर दावा जताया है। ईश्वर सिंह ने मेडिकल कॉलेज के लिए गुहला चीका में जगह देने का प्रस्ताव भी हरियाणा सरकार को भेजा है। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए ईश्वर सिंह ने कहा कि गुहला चीका पंजाब की सीमा पर स्थित है और चिकित्सा की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आइए जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह की बात सुनते हैं। पहले तो मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कैथल जिले को चुना कि यहां मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। और मैंने इस बात को ऑफर भी किया चीफ मिनिस्टर साहब के सामने, सरेआम ऑफर किया था प्री बजट के दौरान कि कैथल जिले में जो कॉलेज खुलने जा रहा है मेडिकल कॉलेज, हम गाँव भागल के अंदर और गाँव हमारा भुन्ना के अंदर फ्री जमीन देने के लिए तैयार हैं। आपको 20-40 जितनी भी एकड़ जमीन चाहिए हम फ्री देंगे। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी इस बात की है कि ये बैकवर्ड एरिया है गुहला, और बॉर्डर के ऊपर वैसे है चिकित्सा के हिसाब से सबसे पिछड़ा है। यहाँ अहम जरूरत मांग हमारी प्रबल इसलिए है कि ये सबसे ज़्यादा चिकित्सा में पिछड़ा हुआ है। 200 बेड का अस्पताल तो कैथल में ऑलरेडी पहले ही है। यदि कैथल के पास ही यदि खोल दे तो कैथल के पास खोलने का तो कोई औचित्य जो है ना नहीं बनेगा, जबकि पेवा में भी है, कैथल में भी है, कुरुक्षेत्र जिला अलग हो गया। तो सबसे ज़्यादा हमारी मांग है, इसकी इलाके की जरूरत है, हम फ्री जमीन देंगे। और इस फ्री जमीन के हिसाब से हमारी ये सरकार से डिमांड है कि मेडिकल कॉलेज गुहला में ही खोला जाए। तो सर अभी मेरी मांग है और मैं इसको पूरे सक्रिय होकर के इसको मुद्दे को उठाऊंगा। हम ऑफर भी करेंगे, हमने डीसी को जो है लिख करके रेजुलेशन हमने बना दिया, जल्दी हम पेश कर रहे हैं और तुरंत कार्रवाई करने के लिए सरकार से आग्रह करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। गुहला चीका में मेडिकल कॉलेज खुलाने के संबंध में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।